चंद्रयान 3 अपने मिशन पर जुटा हुआ है। अब इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। वो लगातार चंद्रमा के राज खोल रहा है। चंद्रयान 3 पर लगे उपकरणों में से एक ने चंद्रमा के प्रारंभिक विकास की नई जानकारी भेजी है। इसके मुताबिक शुरुआती दिनों में चंद्रमा की सतह पिघले हुए पदार्थ यानी कि मैग्मा के समुद्र से ढकी हुई थी। चंद्रयान 3 के रोवर पर लगे दो उपकरणों में से एक अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पोर्ट्स मीटर एपेक्स ने चंद्रमा के दक्षिण आशंकों में ऊपरी मिट्टी की संरचना के बारे में पहली जानकारी प्रदान की है। एपेक्स द्वारा एकमात्र की गई डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि चंद्रमा के इस नए क्षेत्र की मिट्टी मुख्य रूप से दो प्रकारों की चट्टानों का मिश्रण है। उनमें से एक मैग्मा की मिट्टी है, दूसरी संभावत चंद्र सतह की गहरी परतों की मिट्टी है जो चंद्रमा के बारे में और नई जानकारी प्रदान कर सकती है। माना जाता है कि चंद्रमा का निर्माण लगभग 4.2 से 4.3 अरब साल पहले पृथ्वी के साथ एक बड़े क्षुद्र ग्रह की टक्कर के कारण हुआ था। ये भी माना जाता है कि अपने आरंभिक जीवन में चंद्रमा पूरी तरह से मैग्मा का महासागर था। लाखों वर्षों में जब ये ठंडा हुआ तो यहाँ भारी सिलिकॉन और मैग्नीशियम युक्त खनिज जैसे ओलिविन और पाइरोक्सिन डूब गए और चंद्रमा की आंतरिक परतों का निर्माण हुआ। विक्रम लैंडर द्वारा रोवर को तैनात किया गया था। लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग की थी। लैंडर और रोवर से युक्त चंद्रयान 3 को इसरो बेंगलुरु द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। आपको बता दें कि ये विश्लेषण चंद्रमा पर मिट्टी की माप से संबंधित है जिसे प्रज्ञान रोवर द्वारा सतह पर 100 मीटर की दूरी तय करते हुए कई बिंदुओं पर रिकॉर्ड किया गया। शोधकर्ताओं ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से प्राप्त प्रज्ञान के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पाया कि चंद्रमा की मिट्टी एक ही प्रकार की चट्टान फेरोन एनोथ्रोसाइट AFAN से बनी है। अध्ययन के लेखकों ने कहा उनके परिणाम भूम अधरेखीय और मध्य अक्षांश क्षेत्रों से लिए गए नमूनों के विश्लेषण से मिलते जुलते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भौगोलिक रूप से दूर के स्थानों के लिए लिए गए नमूनों की सामान्य संरचना चंद्र मैग्मा महासागर परिकल्पना का समर्थन करती है। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।